हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निम्बेकर व्लॉग्स। आशा है आप सब अच्छे से होंगे। मैं आपका दोस्त आर के निम्बेकर भी अच्छे से हूँ। दोस्तों, इस समय हमें अहमदाबाद और अहमदाबाद से श्रीनाथ ट्रेवल्स की बस, जो कि वॉल्वो बस है, उस बस में हम यात्रा करेंगे दिल्ली तक की। तो बस हमारे सामने खड़ी है, नंबर है AR01Y4444। तो इस बस में जो आप देख रहे हैं, वॉल्वो बस है, बहुत ही अच्छी बस है। और यहाँ से 17 घंटे अहमदाबाद टू दिल्ली जाने में 17 घंटे का लेगी टाइम, और इस 17 घंटे में हम इस सफ़र का लेंगे पूरा आनंद। तो आपको ये वॉल्वो बस भी हम दिखा देते हैं किस तरह की है अंदर से। तो जब भी कभी आप आएँ तो बड़े मज़े से आप वॉल्वो का सफ़र भी कर सकते हैं। तो सर जी, आप पायलट हैं इस बस के, आप लेके चलेंगे दिल्ली। तो ये बस अहमदाबाद से दिल्ली चल रही है श्रीनाथ ट्रेवल्स की। तो दिखा देते हैं, ये तो वॉल्वो बस है, B19 कुछ ऐसा नंबर है ना इसका, B9R। तो B9R ये मॉडल है, और सर जी हमारे पायलट हैं, और 17 घंटे पहुँचा देगी दिल्ली। 17 घंटे में? अच्छा, आप सब लोग यहाँ काम करते हैं, सामान वामान लोडिंग करने वाला है सब ना? अच्छा, ऑटो वाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नाम बताओ अपना। अच्छा, और सर जी बहुत बढ़िया। और आपका सर? शंकर दास गोस्वामी जी, बहुत बढ़िया। हमारे बॉस भी गोस्वामी जी हैं, पीजी गोस्वामी। हाँ तो मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? दिल्ली का सफर करेंगी? आपके साथ कोई और भी आए हैं क्या? वो कहाँ है? अरे जब देख रहे बैठ के, इसमें कैसे है? मैं रख करें एक बार, हाथ रख कैसे बैठो। अगर कभी भविष्य में आपको बस का पायलट बनने को मौका मिला, हाँ, अगर कभी पायलट बनने का मौका मिला तो आप बनना पसंद करेंगी? पायलट बन ही चुके हैं, भविष्य में क्या दिक्कत है, गाड़ी चलाते हैं, मतलब पायलट ही है। तो दोस्तों, इस तरह की ये बस है श्रीनाथ वाले की, बहुत ही साफ सुथरी बस है। एक तरफ सिंगल सीट है और दूसरी तरफ डबल सीट है, यानी कि लेकिन यहाँ से वहाँ तक 12 सीट है। हाँ, तो 24 इधर है और 12 इधर है। यहाँ पे आप बोतल वगैरह रख सकते हैं, पूरे डबल बेड की तरह आपके यहाँ पूरा मिलता है, लाइट भी है और आपका जो है चार्जिंग पॉइंट भी है। तो ये सीट आपको मिली है, बहुत अच्छी बात है। तो पूरी बस में इस तरह का पूरी सीट लगी हुई है, पीछे भी एक एक, एक सीट पीछे भी है। तो आशा है आपको बस का टूर आपको करा दिया है। तो जब भी आपको यात्रा करनी हो दिल्ली टू अहमदाबाद, या अहमदाबाद टू दिल्ली, या अन्य कहीं जगह भी, बहुत सारे डेस्टिनेशन के लिए बस चलती है, तो आप वॉल्वो बस का आनंद उठा सकते हैं। तो हमारी मैडम तो देखिए भाई, दिल्ली से यहाँ भी वॉल्वो में आई थी, और अभी वापस भी हम दिल्ली वॉल्वो में जा रहे हैं, और हमारा अहमदाबाद का टूर बहुत ही अच्छा रहा। तो अगर बस का ट्रेन का रिजर्वेशन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो बस का रिजर्वेशन करो और अपना मजे से अपनी यात्रा करो। कभी भी अपनी यात्रा को कैंसिल नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं होती ना। और जगह जगह बीच बीच में रोकते भी हैं, रोकते भी हैं, और रेस्टोरेंट भी, खाना भी खा सकते हैं आप, खाने के लिए भी रोकते हैं। और वैसे ही फिर वो भी, जैसे किसी को वॉशरूम वगैरह जाना होता तब भी रोकते हैं। बहुत बढ़िया, किसी प्रकार की कोई परेशानी मतलब नहीं है, कम्बल मिलते हैं आपको मजे से। बहुत बढ़िया। आपको जो है इसमें गर्मी तो नहीं लगती, कोई मन तो नहीं चलाता, उल्टी चक्कर तो नहीं आते? नहीं आते। चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आखिर हम जो है 9 बजे पहुंच गए हैं ISBT। अहमदाबाद से हमारी एक बस चली थी 3 बजे, और 9 बजे पहुंच गए हम ISBT दिल्ली में, और अभी हम जाएंगे मेरठ। और सफ़र हमारा रहा बहुत ही अच्छा, चलते हैं अभी एस्केलेटर पर जी। तो नज़ारा है कुछ इस तरह का, 2 घंटे में यहाँ से बस पकड़ कर पहुँच जाएंगे मेरठ अपने घर, और फिर करते हैं आज की दिनचर्या शुरू, कल से ड्यूटी स्टार्ट है। मेरठ गए
हाँ तो मैडम किधर से है हमारा ये साहब? अब तो बाहर निकलो, आओ आ जाओ आ जाओ। तो ये फैमिली कहाँ से आई है? हैदराबाद से। हैदराबाद से, अच्छा कहाँ जाओगे? मेरठ। मेरठ ही जा रहे हैं भाई साहब। मेरठ, मेरठ वालों को देखकर मेरे हैदराबाद से आए हुए लोगों ने भी पता चला वो भी मेरठ जा रहे हैं। तो चलो बहुत बढ़िया, आपका हैदराबाद तो बहुत अच्छा सिटी है, है ना? आएंगे हैदराबाद भी घूमना। अभी हम अहमदाबाद गए थे, अहमदाबाद से आ रहे घूम के। आपका जो टूर है वो हैदराबाद का ही लगाएंगे। चलो फिर मिलते हैं। तो भाई साहब हम पहुंच गए हैं अभी अपने स्टॉपेज पे, मेरठ और दिल्ली के लिए जो गाड़ी खड़ी हुई है सामने खड़ी है हमारे बिल्कुल, और अभी हम इस गाड़ी में बैठ जाएंगे 2 घंटे के अंदर। तो भाई साहब दिल्ली से मेरठ, और हम बैठ जाएंगे अपनी मेरठ वाली गाड़ी में। तो चलिए मैडम, इसका टूर आपको करा दिया है, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।